Excuse me. I do not. Saxena. My wife? My very patni. अरे भाई मिठाई खिलाओ तो बता सकते हैं. यानी कि मैं already father? Yes, तुम्हारी wife को बेटा हुआ है. I mean son. अरे अरे सुनो, तुम्हारा वाइफ इधर है, उधर कहाँ जाता है? उधर मिठाई लेने जाता है सर जी. खिलौने टूट गए. कोई बात नहीं, नए आ जाएंगे. बाहर आती हैं, बाहर जाती हैं, नए आ जाएंगे. हम हैं तुम्हारे साथ. याद रखना, नाचना तुमको ही पड़ेगा जैसे बंदर नाच रहा है. तुम्हारी चाबी मेरे पास है इसलिए. जैसा है आंख, कान, माथा, सब कुछ तुम्हारा है. सिर्फ नाक है मेरे जैसी ऊंची, है ना? हाँ. हाँ क्या? बेटा दिया है मैंने. हाँ. और तुम्हारे चेहरे पर खुशी तक नहीं? नहीं, मैं तो खुश हूँ. चूचा मिल गया, मतलब खुश क्यों नहीं? मेरी तरफ देखो विनोद, पता हो ना क्या बात है? क्या छुपा रहे हो मुझसे तुम? नहीं छुपाऊंगा, कुछ नहीं छुपाऊंगा मैं. तुम सब कुछ बताऊंगा तुम्हें, सब कुछ बताऊंगा. तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा तुम. हाँ
हो गया तुम्हें? हाँ क्या बात है? एक बोझ है सिनेमा, दम घुटा जा रहा है मेरा। मत कैसा बोझ? बताता हूँ, सब कुछ बता दूंगा। हाँ? आज तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तुम अभी तक इधर क्या करता है? प्लीज यू गो। नहीं नहीं प्लीज इन्हें यहाँ रहने दीजिए। नो 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 नो, हम हॉस्पिटल का रूल नहीं तोड़ सकता। वी आर वेरी स्ट्रिक्ट। प्लीज यू गो गो गो। मालिक, भूखा रहने से दिल के जख्म तो नहीं भर जाते। चलिए खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी कहाँ हैं आप? रमा, बाबूजी कहाँ हैं आप? संभल के बेटी, संभल के। बाबूजी, बाबूजी, मिठाई बाटी है, जी भर के दान कीजिए। बाबूजी, परमात्मा ने आपको ऐसा दान दिया है कि घर में बिंदी एक ही उजाला हो जाएगा। मधु दीदी माँ बन गए बाबूजी, और आप नाना। अरे ये क्या बाबूजी, ऐसे खुशी के मौके पर आप रो रहे हैं? तुम्हें शायद इन आंसुओं का एहसास पहली बार हो रहा है, लेकिन मैं तो इनकी आंखों में आंसू उस दिन से देख रहा हूं जिस दिन मधु इस घर को छोड़कर चली गई थी। इनकी रातों की नींद हराम हो गई, भूख मिट गई। ये मधु की याद में रो रो कर अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपनी नाक नीची नहीं होने देंगे। अब कुछ भी कहिए मालिक, मैं आज ही जाता हूँ, मधु बेटी को वापस लेकर आता हूँ। नहीं, मधु इस घर में वापस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी मालिक, क्यों नहीं आएगी? मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब मैंने अपनी दौलत और खानदान के नाम के नशे में अपनी इकलौती बेटी और इसके प्यार को ठुकरा के निकाल दिया था यहां से। चली जाओ यहां से, और ले जाओ इस मुफलिसी के कीड़े को अपने साथ। मेरी नजरों से दूर, वरना गोली मार दूंगा। पापा, आपने मेरे प्यार को सोने चांदी के तराजू में तोला है, उसे रास्ते का पत्थर समझकर ठोकर मारी है। ये सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे प्यार का भी अपमान है। बेवकूफ लड़की, अमीरी और गरीबी दो ऐसे किनारे हैं जो आपस में कभी नहीं मिलते, और फरेब और धोखा भी इसी गरीबी के पेट के आते हैं। जब तू कंगाल हो जाएगी ना, और भूख और प्यास तुझे सताएगी, तो उतर जाएगा प्यार मोहब्बत का तेरा ये भूत, और तेरा घमंड चूर चूर होकर बिगड़ जाएगा। तू समझती है तू जा रही है अपनी मोहब्बत का ताजमहल बनाने? नहीं, तू अपनी खुशियों की कब्र खोदने जा रही है, और जिस दिन तुझे इस बात का एहसास होगा, तू रोएगी खून के आंसू। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी बेटी गरीबी से घबराकर आपकी दौलत के सामने अपने घुटने टेकेगी, तो फिर आपने अपनी बेटी को समझा ही नहीं। मर जाऊंगी, हाँ मर जाऊंगी, लेकिन आपकी इस हवेली की तरफ कभी नहीं देखूंगी, कभी नहीं देखूंगी। देखना पापा, मैं कभी नहीं देखूंगी। चलो। बड़ी जिद्दी है मेरी बेटी, बिल्कुल बाप की तरह ऊंची नाक वाली। मर जाएगी मगर इस दहलीज पे कदम नहीं रखेगी वो। गुड मॉर्निंग। कल क्या हो गया था तुम्हें? मुझे कुछ भी तो नहीं। देखो सच सच बताओ, क्या छुपा रहे हो मुझसे? माधव, दरअसल मैं अपने आप को गुनहगार महसूस कर रहा हूँ। क्यों? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या गुनाह किया है तुमने? अगर तुमने अपने पिताजी की मर्जी से शादी की होती तो आज तुम्हारे बच्चे का जन्म इस खैराती अस्पताल में ना होता, जिसे सोने के झूले में झूलना चाहिए था, आज वो यहाँ लोहे के झूले में पड़ा। तुम अपने पिता के महलों से मुंह मोड़कर कहां आ गई? मैं तुम्हें कहां ले आया हूं? सुनो, पैसों से प्यार करने वाले बहुत मिल जाते हैं,
लेकिन तुमने मेरे पैसों से प्यार नहीं किया, मुझसे प्यार किया है। हाँ, सिर्फ मुझसे, और इसका अभिमान है मुझे। विनोद, गुनाह तो तब होता जब तुमने मुझे धोखा दिया होता, मुझसे प्यार जताकर मुझे फंसाया होता। अगर ऐसा ही होता तो मैं तुमसे इतनी नफरत करती जितना अभी प्यार करती हूं, और शायद जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखती। हाँ भाई, सबको पेट भर के खाना दो, कोई भूखा ना रहे। थोड़ा और दो, यहाँ दो ना भाई। हाँ, यहाँ इनको दो ना। हरिओम। हाँ दे दो। हरिओम। 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 महाराज, मुनीम जी इधर भी। लगता है आज कोई खास अवसर है वत्स। महाराज, हमारे नवासे का जन्मदिन, उसे आशीर्वाद अवश्य दीजिए। लाओ वत्स, उसे फकीर के सामने लेकर आओ। अन्न छूने से पहले हम उसे आशीर्वाद देंगे कि वो रहती दुनिया तक चांद और सितारों की तरह चमकता रहे। काश के ऐसा हो सकता महाराज। ऐसा न होने का कारण वत्स? महाराज, जिस तरह मचलते बच्चे को माँ पानी के कटोरे में चांद दिखा देती है, इसी तरह हम खैरात बांट कर अपने नवासे को देख रहे हैं। तेरी बात हम समझे नहीं वत्स। हमारा नवासा हमारे पास नहीं है महाराज। हमारी इकलौती बेटी हवेली छोड़कर अब किसी झोपड़ी में रहती है। जरूर किसी गरीब का हाथ थाम लिया होगा। हाँ महाराज। और अमेरिके घमंड को चोट लगी होगी, खून को पानी करके नाली में बहा दिया होगा। मन रोए, आत्मा तड़पे, जीवन अंधकार में डूब जाए, पर अपनी शान में फर्क ना आने पाए। धन्य हो भगत, धन्य हो। मास से नाखून अलग कर दिया, दर्द भी सह लिया, लेकिन बेटी के दर्द का नहीं सोचा। तुम्हारे दान में पाप छिपा है भगत, घोर पाप। ऐसा मत कहिए महाराज, ऐसा मत कहिए। अगर गरीबों से इतनी नफरत है तो हमें भी धक्के मार कर बाहर निकाल दीजिए, हम भी गरीब हैं। मैं पहले से दुखी हूं, भोजन करके जाइए। दौलत से दया नहीं कर्महीन, दया से दौलत है। जो अपनी औलाद को नहीं खिला सकता वो हमको क्या खिलाएगा। महाराज, भोजन करके जाइए। तू चाहता है वत्स कि हम तेरा भोजन स्वीकार करें? हाँ महाराज। तो मार लात अहंकार को, इंसान बन। कुछ भी साथ नहीं लेके जाने वाला, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। गरीबों से समझौता कर ले वत्स, बुला अपनी बेटी को, अपने नवासे को, मगर दामाद के साथ, दामाद के साथ। हरियो लाचा बेटा। अरे ये क्या विनोद, सुबह तो बनिया बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहा था पैसों के लिए, अब ये मेहरबानी कैसे हो गई? बनिए की मेहरबानी नहीं, बल्कि राय बहादुर दीवान चंद की मेहरबानी हुई। क्या बात कर रहे हो? पापा? हाँ पापा, उन्होंने सोचा उनके दरबार से रोजाना सैकड़ों भिखारियों को भीख दी जाती है, अगर चंद टुकड़े हमारी झोली में फेंक दिए गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। उनकी ये हिम्मत हुई कैसे, और उनके फेंके हुए टुकड़े तुमने उठाए क्यों? क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तुम्हारा पेट भर सकूं, तुम्हारा तन ढक सकूं, तुम्हारे बच्चे की परवरिश कर सकूं। हाँ, इसीलिए तुम्हारे बाप ने बनिए का सारा कर्जा चुका दिया और ऊपर से 10,000 रुपए एडवांस दिया, ताकि कभी तुम्हें इस कंगाल की जरूरत न पड़े। उनकी ज्यादती से ज्यादा मुझे तुम पर अफसोस हो रहा है, इतनी इतनी जल्दी टूट गए। जाओ, डाल दो वापस ये सब उनकी सोने की झोली में। नहीं चाहिए मुझे ये भीख, टूट ले दो मुसीबतों के पहाड़, न मैं झुकूंगी न तुम्हें झुकने दूंगी। हाँ, अगर अपने बच्चे को अनाज के दाने से नहीं पाल सकी ना, तो अपने खून का दूध बनाकर मैं उसे पाल लूंगी, लेकिन उनके अहंकार के दाने मेरे बच्चे के पेट में नहीं जाएंगे, मैं तुम्हें कह देती हूँ। हाँ, नहीं चाहिए मुझे ये सब।
ये अनाज किसी सोने चांदी की कान से नहीं आता बेटी, ये तो छोटे बड़े अमीर गरीब राजा रंग सबको पालता है। ये मुंह मोड़ लेना तो घर की दीवारें घर से लंबी हो जाती, आदमी का वक्त रुक जाता है। इसकी बेइज्जती मत करो। बेइज्जती तो आपने की है पापा, क्यों हमारे भूख के जख्मों पर अमेरिका नमक छिड़कना चाहते हैं? हाँ, क्यों हमारी गरीबी की झोली में खैरात डालने की कोशिश कर रहे हैं आप? मधु बेटे, अगर ये जुर्म है तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ, तुम्हारे पापा नहीं। जिस दिन से बेटे तुम ये घर छोड़कर गई हो, इनकी हंसी इनकी खुशी सब तुम्हारे साथ साथ चली गई। जो सजा देना हो मुझे तो बेटे, लेकिन अपने पापा पर अन्याय मत करो। हाँ बेटी, ये बाप तो तेरे दरवाजे फकीर बन के आया है। खैरात हमने तेरी झोली में डालने की कोशिश नहीं की, लेकिन तू चाहे तो थोड़ी सी दया की खैरात अपने बदकिस्मत बाप की झोली डाल सकती है। तेरी रोशनी के लिए हवेली के चिराग तड़प रहे हैं। मेरा नवासा मुझे झोली में दे दो, मुझे माफ कर दो। ये क्या गजब कर रहे हैं आप? आपको मैंने कसम। हरिओम पापा, आप इनकी बात मत सुनिए। मैंने आइए आइए डॉक्टर साहब, मधु को तो आप जानते ही हैं, ये है मेरे दामाद विनोद सक्सेना। मुबारक। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ये रुपए। एक्सक्यूज मी प्लीज। राय साहब जी, अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या खराबी थी मिस्टर विनोद में जो इनको घर लाने में आपको 3 साल लग गए। अरे साहब क्या बताएं आपको, कुछ दौलत का नशा था और कुछ अहंकार का भूत सवार था। अब उतर गया ना? जी हाँ बिल्कुल उतर गया, इसीलिए तो जमीन पे खड़ा हूँ। आइए आपको ड्रिंक पिलाऊं। प्लीज सर। अरे साहब ऐसे क्या देख रहे हो, जागीरा ने भेजा पढ़कर देख लो। तुम्हारा दिल बनाता रहो। तुम यहां क्यों आयो बोलो। हरिओम। इस आदमी का नाम है जगजीत सिंह उर्फ जागीरा। यह एक ऐसे गिरोह का मालिक है जिसका काम अमीर खानदान की बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर शादी करना और फिर उनके रुपए पैसे और जेवर को लेकर अचानक गायब हो जाना। इस बंबई शहर में ऐसी 10 वारदातों की रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। केसेस की स्टडी से पता चलता है कि दूल्हा हर बार अलग अलग होता है, लेकिन उनका बाप एक ही है। इस आदमी के कितने ही रूप हैं, कभी रहमतुल्ला तो कभी पीटर परेरा तो कभी राम भगत पुजारी। पहचान लो इसको और इसके साथियों को। स्टॉप इट। इनमें से कोई ऑफिसर इस लायक नहीं, सब कुर्सी तोड़ने के आदि हो गए हैं। जागीरा जैसे शातिर मुजरिम तक पहुंचने का काम सिर्फ इंस्पेक्टर रवि कर सकता है और कोई नहीं। वेयर इज इंस्पेक्टर रवि? तेरा बाप जागीरा कहां है? बताता हूं हर रात वो सिराक होटल में होता है। आखिर हमारे बेटे के प्यार ने अवस्थी साहब आपके दिल को पिघला ही दिया।
मैं कोई पत्थर दिल इंसान नहीं वर्मा साहब। औलाद की खुशी कौन नहीं चाहता है। मैं अभी तक इस रिश्ते के लिए हां नहीं कह रहा था, जिसकी वजह थी जागीरा। जागीरा? ये जागीरा कौन है? मिनिस्टर है क्या? मिनिस्टर नहीं साहब, एक शातिर मुजरिम है। वो एक ऐसे ग्रोह का सरदार है जिसका काम है अमीर खानदान की लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाना और उनकी दौलत लूटना। राम 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 राम, ये तो बड़ा ही घोर पाप है। वर्मा जी, जागीरा कहीं इत्तिफाकन हमको मिल जाए तो उसे गोली से उड़ा दो हरामजादे को। वो हरामजादा आपके सामने ही बैठा है। यही है वो? जी हाँ, यही है वो जागीरा। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। रिवॉल्वर फेंक दे इंस्पेक्टर, मैं तो उसकी गर्दन में धड़ से अलग कर दूंगा। तुम अमरीशपुरी हो क्या? खामोश! अरे चाकू हटाओ, नहीं तो चांद पर दाग लग जाएगा। रिवॉल्वर फेंकता या नहीं? अरे वो मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी है जो मेरे लिए रिवॉल्वर फेंक देगा। अरे दर्द हो रहा है, फेंक दोनों रिवॉल्वर हैंडसम, मुझ पर न सही, मेरी जवानी पर तो तरस खाओ। फेंक फेंक दो ना। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे बताओ, मुझे तैरना नहीं आता। ओके ओके, अरे बताओ, चलो ओके। इतने खतरनाक खेल क्यों खेलते हैं आप लोग? चाकू दिल पर लग जाता तो? भाई आज हम इतने खुश हैं, शायद ही जिंदगी में पहले इतने खुश हुए होंगे। तुम लोग क्या आ गए वापस कि हमारी जिंदगी के कई साल बढ़ गए। अब आपके लिए खुशी खुशी पापा। हाँ। हमने आपको काम की जिम्मेदारी से रिटायर कर दिया। रिटायर कर दो मुझे, रिटायर। अब आपके सब काम विनोद संभालेंगे। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे बिजनेस के बारे में कोई मालूमात नहीं बाबूजी। मतलब तो सीख लोगे, एक बच्चे को पानी में फेंक दो तो खुद ही हाथ पैर मार के तैरना सीख जाएगा। लेकिन बिजनेस तो हाथ पैर मार के तैरना तो सभी सीख जाते हैं बाबूजी। नमस्ते। नमस्ते। मजा तो जब है कि बिना हाथ पैर मारे समंदर मुट्ठी में आ जाए। क्यों जी जाजी? कितनी देर के बाद आए हो भैया, कहाँ रह गए थे? अरे भाई मोटरसाइकिल ही खराब हो गई थी, कमबख्त बड़ी मुश्किलों से मिली है टैक्सी। टैक्सी? ओ, टैक्सी तो बाहर खड़ी है, उसका किराया देना भी बाकी है, मैं तो भूल ही गया था। ये 100 रुपए का छुट्टा होगा आपके पास। क्या हुआ? सॉरी मैम, पर्स शायद ऊपर ही भूला। मेरा पर्स? तुम तक कैसे पहुंच गया? जाहिर है इसके पांव तो है नहीं कि हम तक चलकर आ सके। तुमने जरूर किसी को दिया होगा। किसको दिया था यार? रवि, एक तो तुम दावत में लेट आए और फिर ऊपर से पुलिस की इंक्वायरी कर रहे हो, क्यों? ये तो बहुत बुरी बात है भैया। वाई आर यू सो अबनॉर्मल? हां, जब देखो तब वही पुलिस का रूखा सूखा रवैया। ये तो घर में भी नॉर्मल नहीं होते दीदी। भैया
जीजा जी से किस तरह पेश आना चाहिए ये भी नहीं जानते क्या? लगता है मैंने किसी की दुखती रख पे हाथ रख दिया। बस रवि बस, तुम्हारी हंसी में भी बगावत की बू आ रही है, क्या बात है? तुम विनोद के बटुए के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे हो? इसलिए बाबूजी कि बटुआ खुद बहुत घुमा हुआ है और किसी को घुमा भी रहा है। मिस्टर विनोद, बता सकते हैं कि सी रॉक होटल में आपका बटुआ किस तरह पहुंच गया? अरे कोई पॉकेट मार उड़ा के ले गया होगा। और उस पॉकेट मार का नाम है जागीरा। मिस्टर विनोद, आप बता सकते हैं कि आप वहां किस तरह पहुंचे? प्लीज टेल मी मिस्टर विनोद, आप जागीरा को कैसे जानते हैं? होश में तो हो रवि? आंसर माई क्वेश्चन मिस्टर विनोद। स्टॉप इट रवि, क्या ताल्लुक है आपका उस हरामजादे से? आई सेड स्टॉप इट रवि। राय साहब, मैं जानता हूं कि मेरे ऊपर आपकी बहुत एहसानात है, लेकिन मैं ड्यूटी पर हूं। अगर आप मेरी इंक्वायरी में दखल अंदाजी ना करें तो आपकी मेहरबानी होगी। जहन्नुम में जाए आपकी इंक्वायरी, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। भैया हो क्या गया है तुम्हें? बाबूजी से गुस्ताखी करते हुए शर्म नहीं आती? ले जाओ रमा अपने भैया को यहाँ से, कहीं हम भी उनकी तरह रिश्ते पर खाक न डाल दे। चलो भैया, चलो यहाँ से। सॉरी विनोद, उसका बुरा ना मानना। एक तो जवानी है और फिर वर्दी का जोश, मगर दिल का अच्छा है। आओ, अब तुम लोगों के आराम करने का वक्त हो गया, आओ बेटे। विनोद और जागीरा के बीच में मुझे खुफिया रिश्ता लगता है। यूं लगता है कि जैसे दोनों एक ही गाड़ी के पहिए हों। लगता है सरकार जब ये खाकी वर्दी देती है तो साथ में आंखों पे शक का चश्मा भी चढ़ा देती है। कैसे भूलते हो तुम, विनोद जीजाजी राय साहब के दामाद हैं, और आज तुम जो भी कुछ हो वो उन्हीं की मेहरबानी से हो। भैया उन्होंने तो तुम्हें पढ़ाया लिखाया और इस वर्दी के काबिल बनाया, यहां तक ये घर भी उन्हीं का है, और तुम उन्हीं के साथ बदतमीजी पर उतर आए। रमा, ना तो मैं एहसान फरामोश हूं और ना ही बदतमीज। मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं रमा, मुझे जुर्म और मुजरमों से नफरत है। आज का ये नया कल्चर देश की रगों में जहर घोल रहा है। खुदगर्जी के लिए लोग अपनी नहीं देश की आत्मा बेच रहे हैं। तू भूल जाती है कि तेरा भाई एक पुलिस ऑफिसर है, और जब मैं ये वर्दी पहनता हूं तो सारे रिश्ते नाते भुला देता हूं, और सिर्फ एक बात मुझे याद रह जाती है, मेरी ड्यूटी और मेरा फर्ज। चाकू मेरी गर्दन पर रखकर बोला, फेंक दे रिवॉल्वर इंस्पेक्टर, नहीं तो उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। हाय, इतनी प्यारी गर्दन का ये हाल, बड़ा ही अनरोमांटिक आदमी था यार। आगे तो सुन। मेरा दिल गुब्बारे की तरह फूलने पचकने लगा। यानी कि साइज बढ़ गया। फिर उस इंस्पेक्टर ने क्या किया? उसने अपना रिवॉल्वर मेरी तरफ ऐसे फेंका जैसे अपना दिल निकाल कर फेंक दिया हो। तूने उसका दिल पकड़ा कि नहीं? कैसे पकड़ती, उस हरामी गुंडे ने जो मुझे पकड़ रखा था, एक ही झटके में उसने मुझे इंस्पेक्टर की तरफ ढकेल दिया। इंस्पेक्टर उसकी तरफ जा लपका, उसने चाकू फेंक कर मारा। इंस्पेक्टर के हाथ से खून टप टप टप। अरे तू तो यहाँ ले आती, हम कर देते उसकी मल्लम पट्टी। मैंने फर्स्ट एड वहीं दे दी। उसे थैंक यू कहा? नहीं कहा उस जालिम ने, जागीरा का पर्स उठाकर चला गया। था तेरे की क्लाइमेक्स बिल्कुल वैसा ही था जैसे ऑपरेशन में ऑक्सीजन खत्म हो जाए। मिल गया मिल गया मिल गया, इंस्पेक्टर का नंबर मिल गया। नंबर क्या है? 61 61 61। क्या 61 62 61? लग गया लग गया लग गया। अरे हेलो तो बोल, अभी तो बज रही है। क्या घंटी? तब तेरे नक विच रस्सी। उठ गया उठ गया उठ गया। हेलो हेलो, मर गए भागो। अरे क्या हुआ? रुको तो सही। अरे पर हुआ क्या, कौन था उधर? भूल जाओ उसे, शादीशुदा है, लड़की की आवाज थी। लड़की की आवाज थी? हाँ। ओफो, लड़की की आवाज थी तो क्या वाइफ हो गई? माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, नौकरानी भी हो सकती है। अरे हाँ, घबराहट में मैं तो ये सोचना ही भूल गई थी। इडियट। हेलो जी, कहिए किससे बात करनी है? वो उन्हें पीछेट पीठ पर मंदर घोष लाते थे। डबल बोल। क्या जी? आपसे नहीं, जरा उन्हें बुला दीजिए ना। किसको? इंस्पेक्टर साहब को। भैया। आ रहा माँ। तुम्हारा फोन है? बहन है, भैया कहकर बुला रही है। लाइन क्लियर, फिर तो शूट। चुप। क्या
मर गए। कौन मर गया? मैं मर गई। कौन मैं? कल रात को तो मेरा कलेजा ही निकाल कर ले गए आप। लुक हियर मैडम, हूएवर यू आर, मैं इस किस्म की बेहुदा बातों का आदि बिल्कुल नहीं, समझी आप? गरम हो गया तो फिर मार गरम लोहे पे लोहा, घुमा फिर से, एक सट बासठ एक सट, चल। हेलो हुजूर, मेरी शक्ल बुरी नहीं, जिस्म से काफी तंदुरुस्त हूँ, गाल गुलाबी, होठ नेचुरल लिपस्टिक नंबर 3, जवानी की अंगड़ाइयाँ सोने नहीं दे रही। शट अप। फिर ढक्कन बंद कर दिया क्या? आदमी है या बर्फिस्तान? डबल बुल। मेरी आवाज में सेक्स नहीं है क्या? मुझे क्या मालूम, आदमी होती तो बताती, वैसे मेरी आवाज। मैं भी पीछा नहीं छोड़ने वाली, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बचके कहां जाएगा सालिम? सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया? बिल्कुल कर दिया। मगर क्यों सर, मेरा रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है। गलत कहा तुमने, तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत खराब है। एक पुलिस ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट होता है, लिहाजा उसका रवैया पब्लिक के साथ वैसा ही होना चाहिए जैसा एक नौकर का मालिक के साथ। सर मैं कुछ समझा। तुम यहां क्या कर रही हो? मैं पूछता हूं तुम यहां क्या कर रही हो? ये कोई तुम नहीं बरखुरदार, मेरी बेटी है। आपकी बेटी? जी, मेरी इकलौती लाडली बेटी। सर गजब हो गया, मुझे पता नहीं था, वरना अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नहीं नहीं निशा, मेरा मतलब है मिस निशा जी, आप देखिए मिस्टर रवि, इट इज टू लेट। सर मुझे वाकई नहीं पता था कि आपकी मैंने सोचा था कि जल्द से जल्द तुम्हें प्रमोशन दिलवाकर असिस्टेंट कमिश्नर बनवा दूंगा, प्रमोशन मंजूर भी हो गई थी, लेकिन अब मैंने रुकवा दी है। सर सर ये क्या कर रहे हैं आप, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए निशा जी मैं शर्मिंदा हूँ, अगर आप मुझे पहले ही बता देती तो क्या मुझे किडनैप कर लेते? पापा आप इन्हें सस्पेंड क्यों कर रहे हैं, स्ट्रेट अवे डिसमिस क्यों नहीं कर देते? ओ तुम कहती हो तो मैं अभी किए देता हूँ। इंस्पेक्टर रवि मैं तुम नहीं 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 सर नहीं, मैं मर जाऊंगा सर, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। जो कुछ कहना है उसे कहो, मनाना है उसे मनाओ, वरना वाकई बर्बाद हो जाओगे इन्हें। सर इन्हें? हाँ इन्हें, मर गया सर।
सदा का दीवाना है ना, फिर उस पे फसले गुल का जमाना, एक तो आशिक सदा का दीवाना है ना, फिर उस पे फसले गुल का जमाना, कुछ हमें हो गया था जाएंगे हम ना सनम मर जाएंगे हम। इतने जलवों की रात इस दिल को कहीं ना बना दे वीरा तेरे बिन गल को, इतने जलवों की रात इस दिल को कहीं ना बना दे वीरा तेरे बिन गल को, आके दिल को बसा जा रूठ के ऐसे मर जाएंगे हम ना सनम मर जाएंगे हम। सदा यही आई जाने जा के मेरी लैला मुझ में समाई, सहरा सहरा सदा यही आई जाने जा के मेरी लैला मुझ में समाई, तू भी मुझ में समा जा रूठ के ऐसे ना जा ना जा ना मर जाएंगे हम ओ ना सनम मर जाएंगे हम। वास्ता है खुदा का रूठ के ऐसे ना जा ना जा ना सनम मर जाएंगे हम। सब तेरे नक विच रसी, तुम्हें मालूम है हम तुम्हारे क्या हैं? हम तुम्हारे नाना जी हैं। देखा अभी से मेरी बात समझने लगा। नाश्ता ठंडा हो जाएगा पापा, खा लीजिए। अरे खा लेंगे, पहले अपना जी इस प्यार से तो भर लें। इस प्यार से कभी किसी का जी भरता है क्या? खा लीजिए ना। बेटे तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, सॉरी। आज जुर्म कामयाब और कानून नाकाम और बेबस क्यों होता जा रहा है? जागीरा के जुर्म, उसकी जरूरत, उसका हौसला हमारे मुंह पर एक ऐसा चाटा है जो शर्मदार आदमी के लिए डूब मरने का सबब बन सकता है। सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जागीरा को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। वो दिन कब आएगा इंस्पेक्टर? आ गया है वो दिन सर। इंस्पेक्टर रवि? यस सर। जितने दाग जागीरा ने इन वर्दियों पे दिए हैं उतने ही जख्म मैं उसके चेहरे पर दूंगा। कोई सुराग? सुराग ही नहीं सर, बल्कि समझिए मेरे पास सबूत ही है। कौन है वो? राय बहादुर दीवान चंद का दामाद विनोद सक्सेना। क्या कहा? विनोद सक्सेना? जी हाँ, वही विनोद सक्सेना जो कई सालों से गुर्बत और अंधेरे में रहकर अमीरी और उजाले के
चक्रव्यूह रच रहा था। मधु दीदी को अपने प्यार के जाल में घेर रहा है। उस बिचारी को क्या पता कि वो हस्ती में सांप पाल रही है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे डसे, मैं उसके फन को कुचल दूंगा। ये लो बेटे, यहां दस्तखत कर दो और मेरी जिम्मेदारियों का बोझ तुम अपने कंधों पे ले लो। मैं समझा नहीं पापा। भाई ये बिजनेस के कागजात हैं, मैंने तुम्हारे नाम कर दिए हैं। आज से तुम्हारे दस्तखत के बगैर मेरी बिजनेस का कोई भी दरवाजा नहीं खुलेगा। लेकिन पापा, तुम चाहते हो कि मैं अपनी खिजा के दिन आराम से ना काटूं। जिस घर में बेटा नहीं होता उस घर का चिराग दामाद ही होता है, और इस हवेली की रोशनी तुम ही हो बेटे। लो करो दस्तखत। हरिओम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाय, ये है आपका केबिन। थैंक यू। हेलो, मैं जागीरा बोल रहा हूँ मुन्ना। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी तकदीर की चाबी मेरे पास है। तुम चाहते क्या हो? लोहा गर्म है, मार दो थोड़ा। मुन्ना, 15-20 लाख के चेक कैश कराओ, तिजोरी से गहने उठाओ और हमारी छत्र छाया में आ जाओ। ज्यादा ऊंची उड़ान मत भरो, सपने टूट भी सकते हैं। चाबी की हरकत के साथ साथ दिल की हरकत भी बंद हो सकती है। तुम्हारी बातों से बगावत की बू आ रही है मुन्ना। आ रही नहीं जागीरा, आ चुकी है। आज से मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। हेलो बरखुरदार। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो तोड़ने पर भी नहीं टूटते। यकीन नहीं आता। सामने फाइल पड़ी है ना मुन्ना, खोलकर देख लो ना। ले ले। अभी तो सो रही हो। अरे उठो ना भाई, जागीरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है उधर। मुन्ना, मुन्ना, ये क्या, ये तुमने लिली को क्यों मारा? नहीं, मैंने जागीरा, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो मुझसे। घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब हुआ यकीन? तोड़ सकते हो रिश्ता? इस जन्म में तो नहीं मुन्ना। क्या कहते हो, पहुंचा दूं एक एक कॉपी? एक कॉपी पुलिस स्टेशन में, एक कॉपी तुम्हारी बीवी को और एक कॉपी राय साहब को। बराबर है। फैसला तुम्हारे हाथ में है, 5 लाख या हथकड़ी। तुम्हारी खामोशी मुझे बता रही है कि बात तुम्हारी समझ में आ गई है। एक काम करो, फोटो के नीचे गेटी सिनेमा का टिकट है, वहां 5 लाख लेकर आ जाओ, साथ में बैठकर सिनेमा देखेंगे। हाँ, बाय मुन्ना। Thank you.
जाओ मेरे रास्ते से, गाड़ी अपनी एक तरफ लगाओ। सवाल ही पैदा नहीं होता, आगे गाड़ी रोको, साथ में चाय पियेंगे। ओहो, मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से। What the bloody hell is this? जी चाहता उस हरामजादे जागीरा की जगह आपको हथकड़ियां पहना दूं। कानून ने मोहब्बत को भी जुर्म बना दिया है क्या? No romancing anymore. Oh, shut up! हर वक्त अजगर की तरफ हुंकारते रहते हो। तुम्हारे जिस्म के सपुर्जे बेकार हो गए हैं क्या? देखिए मिस, दिखाते तो कुछ हो नहीं, क्या देखूं? दिखाओ ना। क्या वाहियात किस्म के इंसान है आप? अजीब ज़बान है आपकी। मर जाएंगे हम।
रुपए लाए? पूरे 5 लाख। शाबाश, ऐसे ही राय साहब की तिजोरी खाली करते जाओ, मैं भी जल्दी अमीर बन जाऊं। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। बाकी की बातें टेलीफोन पर करेंगे, अभी निकल दे। मुकद्दर पीछे छोड़ के जा रहे हो जीजा जी? किसका मुकद्दर? जीजा जी मेरा मतलब है मुकद्दर का सिकंदर, अमिताभ बच्चन की फिल्म। बाहर टिकटों के लिए फसाद चल रहा है और आप फिल्म अधूरी छोड़ के जा रहे हैं। मेरी मर्जी, तुम्हें कोई एतराज? लेकिन अपना पसीना तो पोंछ लीजिए। हाँ आप देखिए ना, एयर कंडीशन हॉल से निकले हैं और पेशानी पे पसीने की बूंदे छलक रही। हाँ हाँ ले लीजिए ना जी, शुक्रिया। वैसे जीजा जी पिक्चर देखने आए थे या किसी को मिलना था? अगर मैं गलत नहीं तो मुझे लगता है कि आपके डिपार्टमेंट में किसी से मिलने जुलने के लिए पाबंदी नहीं लगाई। अरे नहीं नहीं जीजा जी, आप तो हमेशा परेशान रहते हैं। मैं समझा कोई प्रॉब्लम है, मेरी कोई मदद की? मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे चाहिए आपकी मदद। यानी सिनेमा का आधा टिकट, मुझे पिक्चर देखनी। मेरे पास नहीं। कहां फेंका? आप तो इतने अच्छे अफसर, जैसे जेब से गिरा पर्स ढूंढा था, टिकट भी ढूंढ लीजिए। जीजा जी जिस तरह पर्स मिला उसी तरह आधा टिकट भी मिल जाएगा, और किससे मिलने आए थे ये भी पता चल जाएगा। तुम्हारी बेटी की शादी की बात हो रही थी? जी हाँ सरकार। तो कहां आकर अटक गई? बस वही दहेज पर। कितना मांग रहे थे? जी 5 लाख रुपए। 5 लाख काफी बड़ी रकम होती है। जी दे दिए? जी इतनी बड़ी रकम तो मेरी हैसियत के बाहर की चीज है सरकार। है या थी? सरकार मैं, कल मैंने तुम्हें 5 लाख रुपए तिजोरी में रखने के लिए दिए थे, वो पहुंच गए वहां? बिल्कुल सरकार, मैंने अपने हाथों से वो रकम रखी थी। मुनीम, हम चाहते थे कि वो रकम हम अपने हाथों से तुम्हारी बेटी को दें। तुम इंतजार नहीं कर सकते थे हमारा? आप मुझ पर शक कर रहे हैं मालिक? गिरधर गोपाल, दुनिया में हमें सिर्फ 2 चीजों से नफरत है, एक है गरीबी और दूसरी चोरी। सरकार खामोश, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। कहां है वो रुपए? सरकार मैंने चोरी नहीं की। अगर हम चाहें तो अभी तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकते हैं, जिंदगी भर चक्की पीसनी पड़ेगी। मगर नहीं, अभी भी मान लो तो बख्श देंगे। रहा तुम्हारी बेटी के जहेज का मामला, उसे हम खुद मिलकर निपटा लेंगे। मालिक मेरी ईमानदारी की इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए मालिक। मगर बेईमानी की सजा देने का हक तो है। तूने ईमान का खून किया है, कहां है वो रुपए?
किए मालिक, मैंने चोरी नहीं की मालिक। पापा ये क्या करे पापा, प्लीज छोड़ दीजिए ना। स्टॉप इट। इस बेईमान ने मेरी पीठ पे छुरा घुमा, इसने चोरी की है। मधु बेटी मुझे खड़े खड़े कोड़ हो जाए, मेरी जवान बेटी जीते जी मर जाए अगर मैंने ये पाप किया है तो। पाप किया है तूने, 5 लाख की चोरी की है। नहीं मालिक, मैंने चोरी नहीं की है। फिर झूठ बोल रहा है तू। मुनीम काका मेरे सर पर हाथ रख कर कहो कि आपने ये चोरी नहीं की है। मधु बेटी मैं तुम्हारे सर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने चोरी नहीं की है। पापा ऐसे ही शक पर किसी की खाल उखेर देना क्या अच्छी बात है? तो रुपया गया कहाँ? कौन हरामजादा ले गया? पहले आप मुनीम काका से माफी मांगिए। मधु क्या कह रही हो तुम? किसी गरीब से अगर गलती हो गई तो वो 10 दफा हाथ जोड़कर माफी मांग सकता है, लेकिन आप एक दफा भी शर्मिंदा नहीं हो सकते क्योंकि आप बड़े आदमी हैं, जुल्म करने का लाइसेंस है आपके पास। ऐसी बात नहीं है बेटी, जो ही मुझे मालूम हुआ कि चोर कौन है मैं खुद पांव पकड़कर मुनीम से माफी मांगूंगा, मगर मुझे गलती का एहसास तो हो, मालूम तो हो कि चोर कौन है। बहुत ही जलील होगा वो शख्स जिसने ये पाप किया है, खुद तो कहीं खड़ा तमाशा देख रहा होगा, और यहाँ एक निर्दोष पर आफत गिर पड़ी। अगर वो मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उसे गोली मार दूं, कमीने कुत्ते को। मालिक मेरी ईमानदारी की इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए मालिक। मगर बेईमानी की सजा देने का हक तो है मालिक। तूने ईमान का खून किया है, कहाँ है वो रुपए? मुझ पर भरोसा रखिए मालिक, मैंने चोरी नहीं की मालिक। मधु क्या हुआ विनोद, इतने बेचैन क्यों हो? पूरी पसीना मधु, ऐसा लग रहा है जैसे उन बेचारे मुनीम जी को अभी तक मार पड़ रही है। ये अच्छा नहीं हुआ, एक ईमानदार गरीब किसी और के गुनाह की सजा भुगते। कौन हो सकता है वो? बोलो ना, बोलो ना विनोद, कौन हो सकता है वो? तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? ऐसे क्यों पूछो जैसे मैंने वो चोरी की हो? ना ना तो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रवि, फिर आ गए तुम अपने कानून कायदे झाड़ने। बाबूजी आप तो खामा खा नाराज होते हैं, बच्चों से तो गलतियां होती रहती हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, क्षमा चाहिए बड़न को, छोटन को उत्पात। आप खाइए मुर्गा, मैं कहूँ बात। हेलो 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 हेलो। देखा विनोद कितना फर्क है कल के रवि में और आज के रवि में। सारी गलती उस खाकी वर्दी की है बाबूजी, बदन पे चढ़ते ही सर चढ़ के बोलने लगती है। रवि भैया तुम ये वर्दी पहना ही मत करो, न होगा पास न बजेगी बांसुरी। जागीरा और उसके साथियों का केस सुलझा लूं, उसके बाद कहोगी तो जिंदगी भर खाकी रंग ही नहीं पहनूंगा। लेकिन पहले जागीरा। क्यों जीजा जी? ये जागीरा तो कोई बड़ा बदमाश है ना, और खतरनाक भी। सुना तो यही है बेटे रवि, ऐसे खतरनाक आदमी का पीछा करने से तुम्हारी अपनी जान भी तो खतरे में पड़ सकती है ना? बाबूजी पड़ तो सकती है। क्यों जीजा जी? जिंदगी तुम्हारी है, उसे खतरा है या नहीं इसका फैसला तुम ही करो। एक्सक्यूज मी। कल रात को थिएटर में आपके साथ कौन था? एडवांस बुकिंग चार्ट देखने के बाद ये पता चला है कि दोनों टिकट एक साथ बुक कराए गए थे। कोई नया सिलसिला है क्या? सिलसिले तो बनते बिगड़ते रहते हैं। तुम्हारा मतलब किस सिलसिले से? भाई तुम सारी बहनों ये क्या कुछ उत्पुत कर रहे हो? कुछ नहीं भाभी जी, जीजा जी से पूछ रहा था कि वर्दी उतारने के बाद कुछ नौकरी वोकरी देंगे या नहीं।
नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन वर्दी उतारने से पहले एक चोर को पकड़ना होगा। हाँ। कौन सा चोर? कल पापा की तिजोरी से 5 लाख रुपए चोरी हो गए। 5 लाख? पापा को मुनीम जी पे शक हो गया था, लेकिन मुनीम जी ऐसा नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ कि चोर चोर तो मेरे सामने ही है। क्या? सामने से मतलब जरूर कोई घर का भेदी होना चाहिए। अब देखिए ना, हाथ भी साफ कर गया, पकड़ा भी नहीं गया, और पकड़ा भी कैसे जाता? आप लोगों ने रिपोर्ट ही नहीं लिखवाई। बाकी मुकद्दर का सिकंदर है। जब कोतवाली घर का हो तो पुलिस में रिपोर्ट करने की क्या जरूरत है? तू छोड़ेगा उसे कहीं? बाबूजी छोड़ूंगा तो नहीं, ये तो पक्का है। और जब पकड़ा जाएगा तो आप सबके सामने शर्मिंदा भी बहुत होगा, ये भी पक्का है। हेलो, तुम तो कुर्सी से चिपक ही गए। मुन्ना एक लंबा हाथ मारो और रफू चक्कर हो जाओ वहां से, वरना वो हराम इंस्पेक्टर रवि अपने डंडे की गर्मी से हम सबको जला देगा। तुम क्या समझते हो, यहाँ सोने चांदी के पेड़ लगे हुए हैं जो उखाड़ उखाड़ कर तुम्हारी कंगाल झोली में डालता रहा हूं? बंद करो ये अपनी शैतान वाली हंसी। हंसू नहीं तो क्या करूं मुन्ना, हंसू नहीं तो क्या करूं? तुम तो बिल्कुल उस माली की तरफ बात करते हो जो 2-4 दिन पेड़ को पानी देने के बाद में पूरे बगीचे को अपना समझने लगता है। होश में आओ मुन्ना, और अच्छी तरह सुन लो, ये बगीचा तुम्हारा नहीं है, और अगर इसे अपनाना चाहा तो हवा का ऐसा झोंका बनकर आऊंगा कि थपेड़े में तुम और तुम्हारे पेड़ पत्ते बनकर उड़ जाएंगे। बात समझ में आई? मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूं जागीरा, मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज, तुम्हारे मजबूर करने पर मैंने उस दिन चोरी की और सजा उस बेचारे गरीब मुनीम को भुगतनी पड़ी। देखो, मैं ये दुख और नहीं सह सकता। दुनिया का हर सुख किसी न किसी को दुख देकर ही हासिल किया जाता है, और ये हम कोई नई बात नहीं कर रहे विनोद सक्सेना। भगवान को पाने वाला भी अपनी गृहस्थी को दुख देकर ही पाता है, और फिर हमारा तो धंधा ही गम देकर खुशी छीनना है। अफसोस किस बात का कर रहे हो मुन्ना? प्लीज जागीरा, मेरे अंदर का इंसान घुट घुट कर दम तोड़ रहा है, ना ही मैं मर सकता हूँ और ना ही मैं जी पा रहा। मेरी होशियारी की तारीफ कर रहे हो मुन्ना, थैंक यू सो मच। जागीरा, अगर पानी सर से ऊपर चला जाए तो तुम डूबोगे, मैं नहीं। पर देखो मुन्ना, अगर किनारा पकड़ना है तो एक ही रास्ता है, लंबा हाथ मारकर मेरा जिंदगी भर का इंतजाम कर दो, वरना। हेलो हेलो, लीले, बॉस, बॉस, क्या हुआ? बॉस गजब हो गया, वो विनोद। विनोद क्या हुआ? विनोद को क्या हुआ? विनोद को उसने मुझे देख लिया है बॉस। हरामजादी, मेरे मना करने पर भी तूने बार कदम क्यों रखा? क्यों गई थी अपने बदन की नुमाइश करने सड़क पर? तू अच्छी तरह जानती है कि विनोद एक खुददार आदमी है, और उसकी खुददारी को तेरी मौत ने दफना कर रखा था। मंदिर की तरह नाचता था वो मेरी डुगडुगी पर, और आज तुझे जिंदा देख लिया तो अब। मेरी माँ बहुत बीमार है, अकेली है, बहुत रोती है मेरे लिए। जहर देकर मार डाल साली को। देखो बॉस, जो कहना है मुझे कहो, लेकिन मेरी माँ को गाली दोगे तो अच्छा नहीं होगा। मुझसे जवान लड़ती है साली। बस हो गया जागीरा, बहुत जुल्म सह लिए मैंने तुम्हारे लिए, अब नहीं सहूंगी।
तुम्हारे इशारे पे नाचना, तुम्हारी बिस्तर का सामान बनना ही मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। तुझ जैसी बदचलन औरत की जिंदगी बिस्तर पे ही शुरू होती है और बिस्तर पे ही दम तोड़ देती है। मैं बदचलन हूँ, आवारा हूँ, लेकिन मुझे बदचलन बनाया किसने? तूने। मैं एक गरीब सीधी साधी लड़की थी, तुमने मुझे उल्लू बनाया। तुम जानते थे विनोद मुझे अच्छा लगता है, मैं विनोद से प्यार करती हूँ। ये कहकर कि विनोद से मेरी शादी कराओगे, तुमने मुझे जाल में फंसाया, और विनोद को भी। लेकिन विनोद को मैं सब कुछ बता दूंगी। वो कत एक झूठ था, एक जाल था, फरेब था। विनोद ने तुझे जिंदा देख लिया है लिली, उसका मतलब ये हुआ मौत ने तुझे देख लिया, तेरी जीवन रेखा खलास हो खलास। नो, 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 प्लीज। हाँ बोलो जागीरा। अरे वाह मुन्ना, आप तो बिल्कुल तैयारी बैठे थे। मैंने बहुत सोचा जागीरा कि मेरा अपना कौन है, बीवी बच्चे या जागीरा, तो समझ में आया कि अगर जागीरा ना होता तो बीवी बच्चे कहाँ से आते, और फिर पैसा हो तो बीवी बच्चे तो और भी आ सकते हैं। नहीं वाह मेरे चाल शोभराज, वाह बड़ी जामे जमशेद बात की है, वाह। पैसे कहाँ पहुंचाऊं? टीटी यार्ड में। ओके, मैं आज ठीक 9 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। आ गए मुन्ना, मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। क्या करते सवाल, इसके अलावा और कोई रास्ता? गिन लो। मुझे तुम पर पूरा यकीन है क्योंकि तुम्हारी चाबी मेरे हाथ में है। मैं चलता हूँ जाकर। ठीक है मुन्ना, जा। तमाम सबूत और गवाहों के बयानात से यह साबित हो गया है
कि मुलजिम जगजीत सिंह वल्द रेशम सिंह पर जो इल्जाम लगाया गया है वो सही है, लिहाजा ये अदालत उसे मुजरिम करार देते हुए ताजीराते हिंद की जेर दफा 420 के तहत उसे 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा का हुक्म देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। तीन साल में जिंदगी खत्म नहीं हो जाती इंस्पेक्टर। बांधी बनकर आऊंगा और उड़ा ले जाऊंगा तेरे घोंसले के सब दिन के, तेरा सुख तेरा चैन सब मिट्टी में मिलाकर रख दूंगा। वो हाल करूंगा तेरा, न तू जी सकेगा न तू मर सकेगा। भड़क सिंह साहब घर में हैं? भड़क सिंह नाम का तो कोई आदमी इस घर में नहीं रहता। ये नाम नहीं तारीफ है उनकी, मुझे इंस्पेक्टर रवि से मिलना है। अच्छा भैया से, लेकिन वो तो इस वक्त घर में नहीं है। ओफो, यहाँ भी कच्चा दे गए जी? जी दरअसल हमारा कॉलेज एक चैरिटी शो कर रहा है, उसी सिलसिले में उनसे मिलना था। क्या मैं उनका इंतजार कर सकती हूँ? जी हाँ आइए ना। माफ कीजिएगा मैं अंधी हूँ। आई एम सो सॉरी। लाइलाज बीमारी का क्या अफसोस करना। लाइलाज ये आपसे किसने कह दिया? भैया कहते हैं पैदाइशी अंधों का कोई इलाज नहीं होता। किस सेंचुरी की बात कर रही हैं आप? आपका इलाज हो सकता है, आप देख सकती हैं। सच? सच कह रही हैं आप? बिल्कुल, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे मालूम है आपका इलाज हो सकता है। अच्छा, कितनी अच्छी खबर सुनाई है आपने, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है मैं भी दुनिया देख सकूंगी। अगर ऐसे हुआ ना तो मैं सबसे पहला चेहरा आप ही का देखूंगी। क्या नाम है आपका? निशा। लो भैया भी आ गए। भैया आज मैं तुम्हें बड़ी अच्छी खबर सुनाने वाली हूँ। सुनाओ भाई जल्दी सुनाओ, आखिर वो कौन सी ऐसी खबर है जिसने हमारी प्यारी सी बहन के चेहरे को खुशी से दमका दिया? अभी सुनाती हूँ। निशा जी नमस्ते। आप यहाँ क्या कर रही हैं? भैया निशा जी कहती है कि मेरी आंखों का इलाज हो सकता है, मैं देख सकती हूँ। भैया है ना वंडरफुल खबर, मेरा ऑपरेशन करवाओगे ना भैया? क्यों नहीं जरूर करवाएंगे। ओ भैया कितने अच्छे हो तुम, आंखें मिलते ही देखना तुम्हारे काम कैसे भाग भाग के करूंगी। तुम्हें हर चीज वक्त पे रेडी मिलेगी भैया, एकदम टिप टॉप। तुमसे सहारा लेने के बजाय तुम्हारा सहारा बन जाऊंगी। बात यह है निशा जी, आंखें नहीं है ना मेरी, इसलिए बहुत बेबस हो जाती हूं। लगता है अपने भैया पे बोझ बनी हूं। अरे पगली, तेरी जैसी बहन तो किस्मत वालों को मिलती है, उनसे पूछ जिनकी बहनें नहीं होती। तू तो मेरी बहुत प्यारी लाडली सी बहन है, मेरी जिंदगी का खजाना है तू, बोझ नहीं पगली, मेरी खुशियों का ताज है तू। तुम तो सचमुच देवता हो भैया। चलो छोड़ो इन बातों को, जिन्होंने तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है उन्हें चाय नहीं पिलाओगी? अभी पिलाती हूँ। आजकल कॉलेज में आप लोगों को क्या पढ़ाया जाता है? वाहियात बातें करना, लोगों को बेवकूफ बनाना, रोमांस करना। ये आप किससे कह रहे हैं? आपसे और किससे? क्या आप जानती हैं कि मेरी बहन जन्म से अंधी है और जन्म से अंधों का कोई इलाज नहीं है,
बहुत बड़ा धोखा किया आपने उसे झूठी उम्मीदें दिला के। बहुत ही घटिया रास्ता आपने अपनाया है मुझ तक पहुंचने के लिए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे हासिल करने के लिए आप इतना गिर भी सकती हैं। Now look here, Mr. Inspector. क्या समझते हैं आप मुझे? रास्ते में खड़ी हुई भिखारन जो आपके दरवाजे पर प्यार की भीख मांगने आई है? नो 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 मिस्टर रवि, ना आप इतने ज्यादा खूबसूरत हैं और ना मैं इतनी ज्यादा बदसूरत। ये हंसी मजाक था, आपको हासिल करने का तरीका नहीं। फॉरगेट इट। और सुनिए, जिंदगी में चोर और चक्कों से फुर्सत मिले तो कभी कभी मेडिकल बुलेटिन भी पढ़ लिया कीजिए। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि जन्म के अंधों का भी इलाज हो सकता है। सुना आपने? आपकी बहन का इलाज हो सकता है जी। गुड बाय। अरे सुनिए, अरे जरा सुनिए तो, जरा मेरी बात तो सुनिए। मुझसे कुछ फरमा रहे हैं क्या? जी आपसे अर्ज कर रहा हूं। अर्ज? और आप मुझ गरीब से? ऐसी गलती ना कीजिए। कहां आप, इतने बड़े पुलिस अफसर, 6 फुट का कद, 7 फुट की नाक, और कहां मैं, 4 फीट नथिंग, प्यार की भीख मांगने वाली एक मामूली लड़की। अरे देखिए आप मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए, मैं आपको गलत समझा, मुझे माफ कर दीजिए ना। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। मतलब सीरियस है? हाँ जी, एकदम सीरियस हूँ। नो झूठ? बिल्कुल नो झूठ। ठीक है, माफी दी जा सकती है। थैंक यू जी। लेकिन एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है जी। तो उठाइए गोद में। गोद में? पर किसे? मुझे। और किसे? आपको। यहाँ सड़क पर इन सब लोगों के सामने? उठाते हो कि जाऊं? अरे उठाता हूँ जी, उठाता हूँ। लीजिए, अब आपको गोद में भी उठा लिया। अब आप चिल्ला चिल्ला कर कहिए कि आपको मैं गुल कहकर उठा लूं जब कहिए। आपको मैं गुल कह के उठा।
शोला जगा के दूर जा बैठे। हरामी के पिल्ले विनोद ने तुमको फंसाया और तुमने उसकी जुर्म की हंडिया का ढक्कन बंद ही रहने दिया। उड़ा देना था उसे, बोल देना था साले की कुंडली को, करवा देना था भड़वे को अंदर। जागीरा की आइडिया के घोड़े लंबी रेस के घोड़े होते हैं। अगर ये बात तुम्हारी समझ में आती तो मैं तुम्हारा नहीं, तुम मेरे गुरु होते। फिल्म दीवार देखी थी? हाँ बाप, 25 बार देखेला। क्या ढामस पिक्चर था, ऑल इंडिया हिट। अमिताभ बच्चन क्या डायलॉग मारता है याद है? कौन सा गुरु? सामन साहब, अंडे एक एक करके खाओगे या पूरी मुर्गी को हलाल करना है? क्या स्टाइल था साले का बोलने का यार। अपने को भी उसी स्टाइल पर चलना है। बहुत काम करना है अब साला, पहले एक था अब दो हो गए हैं। ये दूसरा कौन है गुरु? वो ही साला पुलिस का कुत्ता जिसने मुझे लोखंड पहनाया था। ऐसी गोली उतार दूंगा साले की हलक में कि जिंदगी भर भगवान के बजाय जागीरा का नाम जपता रहेगा। अरे जीजा जी, आप यहां आइए, बैठिए ना। खैरियत तो है? हाँ। नमस्ते जीजा जी। कैसी हो रामा जी? मैं तो ठीक हूँ, पर भैया ठीक नहीं है। क्या हुआ? जी, जागीरा जेल से छूट गया है। जागीरा? हाँ, उसने धमकी दी थी जेल से छूटने के बाद भैया से बदला लेगा। चीचा जी, भगवान ऐसे गुनहगार पैदा ही क्यों करते हैं? ये तो तुम्हारा भगवान ही जानता होगा, मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, अच्छा या बुरा आदमी पेट से पैदा नहीं होता। कभी कभी हालात मजबूर कर देते हैं कि आदमी बुराई की तरफ बढ़े, वो बुरा बन जाए। नहीं जीजा जी, नहीं, मैं आपकी इस दलील को नहीं मानता। कोई मजबूरी इंसान को हैवान नहीं बना सकती। कमल तो कीचड़ में बहकर मैला नहीं होता। ये सब किताबी बातें हैं रवि, जिंदगी कितनी कड़वी और घुटन से भरी हो सकती है, शायद तुम नहीं जानते। वो इंसान ही क्या जो हालात के तले दबकर अपना जमीर बेच दे। कड़वाहट, घुटन और मजबूरी पर विजय पाने के बजाय वो टूट जाए, जुर्म को अपना ले। लानत है इस इंसान के ऊपर। अच्छा मैं चलता हूँ। बैठिए ना जीजा जी, जा क्यों रहे हैं आप? मैं यूं ही बस चलता हूँ मैं। अरे जीजा जी, आए और चलते भी हैं, कुछ बताया नहीं के किस काम से आए थे, कुछ परेशान लगते हैं। जागीरा की वजह से तो नहीं? जागीरा की वजह से? हाँ, उसने मुझे धमकी दी थी, मुझे लगा शायद उसकी वजह से तो परेशान नहीं हो रहे। नहीं रवि, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम एक बहादुर पुलिस ऑफिसर। चलता हूँ, गुड नाइट। जीजा जी, अगर दिल में कोई बात है तो कह दो, तुम्हारा दोस्त हूँ, पीछे नहीं हटूंगा। इम्तिहान लेना चाहो तो जीजा जी ले लो। अगर ऐसा कभी वक्त आया तो तुम्हारा ही दरवाजा खटखटाऊंगा। ओके
गुड नाइट, गुड नाइट। तुम? हाँ मैं भगत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? ठीक वैसे ही जैसे लिली की मुंडी बैग में डालकर मुझे देने की हिम्मत तुम्हारी हुई थी। लिली जिंदा होकर भी मर गई, लेकिन उसकी लाश की तस्वीरें अभी भी मेरे पास हैं। आ गया ना पसीना? रोकड़ा दे दो, मैं चलता हूं। मैं एक कौड़ी भी तुम्हें नहीं दूंगा। मुन्ना, मेरी शक्ल देखकर तुम्हें डर नहीं लगता? मैं वो ग्रहण हूं जो एक बार लग जाए उतरता नहीं। तेरे ससुर के पास बहुत माल है, थोड़ा सा दे दे, कम थोड़ी हो जाएगा। मैं तो जेल जाकर भी वापस आ गया हूं, लेकिन अगर मैंने जबान खोली तो तू जिंदगी भर अंदर जेल में सड़ता रहेगा। सारे दुलारे छूट जाएंगे मुन्ना। कितने पैसे चाहिए? 10 लाख। 10 लाख? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त तो मुझे भी चाहिए, एक कांटा जो फंसा है हलक में उसको निकालने के लिए। चलता हूं। हरिओ। आदमी जब टूटकर बिखरने लगता है तो उसे किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। आज मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। मीठू, रमा, जीजा जी आप? रवि कहाँ है? भैया तो ड्यूटी पे चले गए। ये खत तुम रवि को दे देना। जी, अंदर आइए ना आप। जीजा जी, जीजा जी, मिठू, ऐसी भी क्या बात हो सकती है? कल भी है तो कुछ कहा नहीं, आज भी कुछ कहा नहीं, जरूर कुछ परेशानी है। क्या हो सकता है? ए, क्या टाइम हुआ है? बराबर 8 बजा है। क्यों, क्या बात है? जा तेरे साहब को जाके बोल दे जागीरा का हाजिरी लगा देवे। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक पुलिस स्टेशन में बैठने का कोर्ट का ऑर्डर है। बैठने आया हूँ, जा तेरे साहब को जाके बोल दे। ठीक है बैठो, बोल देगा। मिस्टर रवि कुमार, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, आपको आपका पुलिस स्टेशन, पुलिस की ड्यूटी और उसकी वर्दी मुबारक हो। मैं जा रही हूँ। अरे मेरी बात तो सुनो निशा, नाइट ड्यूटी ऑफिसर अभी तक नहीं पहुँचा है, उसके आते ही मैं 9 बजे के शो के टिकट है और 9 बज गए और आप है कि? सॉरी निशा, आज माफ कर दो भाई।
कल पिक्चर चलेंगे और तुम्हें एक अच्छा सा चाइनीज खाना खिलाऊंगा। प्रॉमिस। ऐसे बहुत से प्रॉमिस भुगते हैं। गुड बाय मिस्टर रवि। अरे निशा, तमा घर पे अकेली रह जाएगी। निशा अरे भाभी सुनो तो, चली गई। नौ बज गया, गवर्नमेंट का टाइम खलास हो गया, अपना टाइम आ गया, चलता हूं। हरिओ लगता है भैया आ गए। हद करते हो भैया, इतना लेट आ गए। निशा भाभी तो नाराज होके चली गई। ये क्या बदतमीजी है, कौन है तुम? आग से धुआं उठता है तो सब जानते हैं, मगर इस धुएं में आग है। देख नहीं सकती मगर महसूस तो कर सकती हो ना। कौन है तुम? कौन है तुम? अरे नाम जानकर क्या करोगी? काम अरे भाई कहाँ हो रमा? रमा तू बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ तुझे? बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ तुझे रमा? मेरा ऑपरेशन करवाओगे ना भैया? ओ भैया कितने अच्छे हो तुम, आंखें मिलते ही देखना, तुम्हारे काम के सिर्फ भाग भाग के करूंगी। ये सब मेरी वजह से हुआ दीदी, ना मैं रमा को अकेला छोड़कर जाती, ना हमें ये मनुष्य घड़ी देखनी पड़ती। क्या अनर्थ हो गया दीदी, रवि से ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं होगा। जागीरा।
साले से ऐसा डंख मारा है कि जिंदगी भर साला अपनी बहन की याद में खून के आंसू रोता रहेगा। जागीर अरे टक्कर लेता है हरामजादा। जब जबान औकात से ज्यादा बढ़ जाती है तो काट दी जाती है हराम ज्यादा। छोड़ूंगा हरामजादे। रुक जा रवि। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए मुझे। स्टॉप इट रवि। इसने मेरी बहन की जान ली है, मैं इस राक्षस को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कानून के रखवाले को कानून अपने हाथ में लेना शोभा नहीं देता। इजी टेक इट इजी इंस्पेक्टर, अरेस्ट हिम। क्या नाम है तुम्हारा? जगजीत सिंह उर्फ जागीरा। जागीरा, कितनी बार जेल की हवा खा चुके हो तुम? वकील साहब, हवा भी कोई खाने की चीज होती है क्या? ऑर्डर ऑर्डर। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करो जगजीत सिंह, सवाल का सीधा सीधा जवाब दो, कितनी बार जेल जा चुके हो तुम? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, अगर कोई शख्स एक बार जेल हो भी आए तो क्या सिर्फ इस बिना पर उसे मुजरिम करार दिया जा सकता है? ऑब्जेक्शन सस्टेंड। थैंक यू योर ऑनर। आप सिर्फ वही सवाल कीजिए जिसका इस मुकदमे से ताल्लुक है। हाथ दिखाओ अपना। अब जोशी है क्या? ऑर्डर ऑर्डर। ये निशान कैसा है? मुझे चोट लगी थी। कैसे? इंस्पेक्टर रवि के हाथों। झूठ। ये चोट तुम्हें इंस्पेक्टर रवि के हाथों नहीं बल्कि उसकी अंधी बहन के हाथों लगी जब तुमने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। ये झूठ है। ये सच है योर ऑनर, सच है। ये आदमी नहीं जानवर है। साइलेंस। पुलिस अफसर होने के बाद भी आप भूल रहे हैं कि अदालत की कार्रवाई में बिना इजाजत दखल नहीं देते। कंट्रोल योर सेल्फ। आई एम सॉरी सर। प्रोसीड मिस्टर प्रोसिक्यूटर। उसके साथ बलात्कार करने के बाद तुमने सबूत का गला घोट दिया और उसे मार डाला, लेकिन ये भूल गए कि हर मुजरिम जुर्म करने के बाद अपना कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है, और तुम्हारे जुर्म का सबूत है ये सिगार का टुकड़ा। Your Honor, मेरे अजीज दोस्त, क्या ये कहना चाहते हैं कि दुनिया भर की सारी सिगार बनाने वाली फैक्ट्रीज सिर्फ मेरे मुवक्किल के लिए ही सिगार बनाती हैं? सिर्फ यही आदमी सिगार पीता है? मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं जानता हूं कि सिर्फ यही एक आदमी सिगार नहीं पीता, बाकी जितने लोग भी सिगार पीते हैं उनमें से तो किसी ने इंस्पेक्टर रवि को बर्बाद करने की धमकी नहीं दी। धमकी दी थी या नहीं? मुझे याद नहीं। याद करो जागीर, याद करो, आज से 3 साल पहले सजा मिलने के बाद तुमने रवि को धमकी दी थी कि जब तुम जेल से छूटोगे
तो इंस्पेक्टर रवि से ऐसा भयानक इंतकाम लोगे कि ना तो वो जी सकेगा ना मर सकेगा। जेल से बाहर आने के बाद धमकी को असलियत में बदल दिया तुमने, इसलिए ये सिगार तुम्हारा ही है। सिगार पर किसकी उंगलियों के निशान पाए गए हैं? अनफॉर्चुनेटली किसी के नहीं योर ऑनर। तो फिर यह सबूत नहीं हो सकता। योर विटनेस। थैंक यू, नो क्वेश्चन। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर रवि से चंद सवाल करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। इंस्पेक्टर रवि, आपकी बहन मतुला रमा का कत्ल कितने बजे हुआ था? 8 और 9 के दरमियान। यह पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर, रात 8 और 9 के दरमियान। मेरा मतलब है उस वक्त टूटी घड़ी में 8:30 बजे थे। मुलजिम जगजीत सिंह आपके पुलिस स्टेशन में आपकी आंखों के सामने मौजूद था, यह सच है? यह सच है कि नहीं? यह सच तो है, लेकिन इसका मतलब साफ है योर ऑनर कि यह केस झूठा है, बनावटी है, बनघड़ंत है। नहीं, क्योंकि मेरा मुवक्किल एक ही वक्त पर 2 जगह कैसे हो सकता है? That's all, Your Honor. Case is dismissed. लेकिन जज साहब, गुनेगार यही है, इसी ने मेरी बहन का कत्ल किया है। जज साहब, सच्चाई को सबूत पे कुर्बान मत कीजिए। जज साहब, गुनेगार यही है, यही है वो गुनेगार। जज साहब, जज साहब, मैं जानता हूं कि गुनेगार यही है। ये दरिंदा मेरी बहन का कातिल है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जागीराम, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रवि, तुम जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो रहे हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि कानून सबूत का मोहताज होता है। लेकिन मेरा इंसाफ ऐसे सबूत का मोहताज नहीं है जो पुलिस स्टेशन या अदालत में तोड़ दिया जाए। गुनेगार को जरूर सजा मिलेगी, आपका कानून तो ये नहीं कर सकता, लेकिन मेरा इंसाफ उसे जरूर सजा देकर रहेगा। कानून अपने हाथ में लोगे? जी नहीं, इंसाफ अपने हाथ में लूंगा। हमारी नजर में दोनों एक हैं। वो आपकी नजर का धोखा है। देखो रवि, इस वक्त तुम गुस्ताखी कर रहे हो या बगावत, ये मैं तुम्हें अभी नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इस वर्दी की जिम्मेदारी और हक इसके धागों की जंजीरों से जकड़े हुए हैं। इसे पहनकर तुम इसकी हदों से बाहर नहीं जा सकते। मैं इसे उतार कर तो हदें तोड़ सकता हूं सर। What do you mean? बदला सर। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं आपसे इसकी इजाजत मांग भी नहीं रहा हूं सर। यह मेरा इस्तीफा। रवि, गुड बाय सर। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से ही बीमारी, उस हाल में 3 दिन काम करने के बाद ये 100 रुपए मिले। अरे शुक्र करिए तो मिला, वैसे हराम के बाजार में हलाल की क्या कीमत। आश अपना भी एक बेटा होता। अरे भगवान, कलजुग का बेटा लेता है देता नहीं, शुक्र कर नहीं है। ऊपर वाले की मर्जी, इससे तुम्हारी 2-4 दिन की दवा और 8-10 दिन की रोटी तो नसीब हो जाएगी। जागीरा के कुत्ते। ए, ला नोट इधर ला। इस नोट से गरीब को दवा मिलेगी, भूखे पेट को रोटी मिलेगी। उन्हें दूं या तुम्हारी रंडीबाजी और शराब? ये लीजिए माँ जी अपने पैसे। खुश रहो। बेटा भगवान तुम्हें सुखी रखे। Thank you.
थे अपने कानून की तरह। What? कौन तुम? मेरा नाम है इंसाफ। तोहफा पसंद आया? ये तोहफा है? तुम कानून की निगाहों में जुन कर रहे हो। जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है उसकी निगाहें काम नहीं करती। झूठी गवाहियां, झूठे सबूत, झूठे वकील सच को झूठ में बदलते रहेंगे। दिन रात सड़कों पर जुर्म होते रहेंगे और तुम लोग इसी तरह सोते रहोगे। इसलिए आज से इंसाफ मैं करूंगा, इसी तरह मुजरिमों को लंगड़ा लूला करके। गुड बाय। कानून को इंसाफ का सलाम। हेलो हेलो, आजा आजा मेरे मुल्ला दो प्याजा, उठाओ जाओ और करो दुनिया को तमाम, उठाओ। अरे गुरु, दुनिया को छोड़ो, अपने बारे में सोचो। क्या मतलब है तेरा? वो इंस्पेक्टर जिसकी बहन को आपने ऊपर पहुंचा डाला था ना, वो जख्मी शेर की तरह आपको ढूंढ रहा है। शहर की हर सड़क और गली पर आप कहीं उसके हत्थे पे चढ़ गए। तू डराता है मुझको? साले बुजदिल माँ की डरपोक औलाद, वो मुझे नहीं अपनी मौत को ढूंढ रहा है। रास्ते में मिल जाए तो बता देना तूफान में हूं, लाइन से हट जाए ना तो उड़ा दूंगा साले को। Thank you.
बोलो, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। निशा, ये बोझ तो मेरे साथ ही जाएगा। ऐसा मत कहो रवि, जानती हूँ तुम रमन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन किसी के चले जाने से आदमी अपनी जिंदगी से मुंह तो नहीं मोड़ लेता। तुम्हारी जिंदगी पर कुछ हक मेरा भी है, मैंने भी तुमसे प्यार किया है। अपनी मुस्कुराहट न सही, अपने आंसू ही मुझे दे दो। निशा, मैं डरता हूं कि तुम्हारा प्यार मेरे इरादे को कमजोर ना कर दे। नहीं रवि, मैं वादा करती हूं, तुम्हारे फर्ज के रास्ते में मैं बिजली बनकर नहीं गिरूंगी, बल्कि प्यार की बरखा बरसाती रहूंगी। निशा, इधर आओ। झूमर गिरेगा नहीं ना? क्या पापा जी, टाइम देखिए ना क्या हुआ है। प्लीज केक जल्दी भेजिए आप। हाँ, हाय। बर्थडे केक आ गया? डोंट बी इंपेशेंट, आ जाएगा। पापा कहाँ है? बाबूजी तैयार हो रहे हैं। पापा, और तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? व्हाट इज दिस? हो जाऊंगा, चलो तुम जाके तैयार हो। चलो, देखो मैं तैयार कर रही हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो ना बाबा, लाओ भाई। हरिओम। सुन गया सांप, निकल गई जान। तुम यहाँ क्यों आ गया? बेटे की सालगिरह मुबारक हो। क्यों मेरी जान के पीछे पड़ा है? क्यों मेरी गृहस्थी में आग लगा रहा है? 5 लाख दीदी के कम है। तेरी हवेली के सामने इंस्पेक्टर का घर हुआ करता था, कब्रस्तान का सन्नाटा है। अब वहां जागीरा से टक्कर ली थी उसने, भिखारी हो गया मुन्ना, नसीहत ले उससे। देख, इससे पहले तू निकल जाए यहां से। जागीरा को खाली हाथ जाने की आदत नहीं है। मुझे दुश्मनी के तेवर मत दिखाओ मुन्ना। जब 101 हरामी मरे थे तो मैं अकेला पैदा हुआ हूं। जागीरा तेरे गले में अटक गया है, तेरे सर पे घटा बनकर छा गया है, और अगर टूट के बरसा तो तू, तेरी बीवी, तेरा बच्चा सब उस सैलाब में बह जाएंगे। भांडा फोड़ दिया तो कान खोलकर सुन लो मुन्ना, ऊपर तिजोरी में जितना भी माल पड़ा है सब बटोर कर रात को 10 बजे टिकरी पर ले आना। अगर 10 बज गए और तू नहीं आया तो मुरली बज जाएगी मुन्ना, बहुत बेसुरी मुरली। और जागीरा फिर ऐसा रूप दिखाएगा जो किसी हॉरर फिल्म में भी नहीं देखा होगा। जाता हूं, याद रहे ठीक 10 बजे। हाँ, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर बालू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
मम्मी को दो। कभी जिंदगी में चोर की शक्ल में नजर आए ना तो तुम्हारे जीते जी ये सिंदूर माथे से मिटा दूंगी। हाँ ग्यारह बज गया, दस के बजाय ग्यारह बज गया, कमीना अभी तक नहीं आया। अब मैं तेरी ऐसी मुरली बजाऊंगा मुन्ना कि तेरे सातों के सातों सुर बेसुरे हो जाएंगे। बिना पूछ वाला कुत्ता नहीं बनाया तुझे तो मेरा नाम भी जागीरा नहीं। हरिओम। अरे देखो विनोद, ये है मधु, राय साहब के करोड़ों की जायदाद की इकलौती वारिस। सोने की चिड़िया है हा? तुम्हारा शिकार। तुम फिक्र मत करो जागीरा, ये लौंडिया मेरे जाल से निकल नहीं पाएगी। ऐसा प्यार का दाना डाला है गुरु, ये सोने की चिड़िया फंसे ही फंसे। I'm sorry, everybody. मगर अब पार्टी खत्म हो गई है। प्लीज आप लोग घर जाइए। देखिए बेटी, इसीलिए मैं कहा करता था कि सांप के मुंह में दूध नहीं होता। Thank you.
तुम कह रहे थे? हाँ माधु, ये तस्वीर का एक रुख था। इतना बड़ा विश्वासघात, छल कपट किया तुमने मुझसे, धोखा दिया है तुमने मुझे, धोखा दिया, धोखा दिया, धोखा दिया तुमने, पापा, पापा ऐसा क्यों किया इसने, क्यों किया? कमीने, धोखेबाज जलील आदमी, गुनाह तूने किया और इस गरीब मुनीम ने उसकी सजा भुगती। निकल गया इसी वक्त यहाँ से। मधु, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मधु के बच्चे, निकल के यहाँ से, मार के निकाल दो इसे यहाँ से, भगा दो इस धोखेबाज को। ये आपने क्या किया? हमारी भोली भाली मधु बेटी के साथ ऐसा विश्वासघात? अरे निकाल दो इसे यहाँ से, ले जाओ बाहर। पापा पापा, मैं भी आपके साथ आऊंगा। नहीं नहीं बबलू, नहीं, मुझे जाने दो। मधु प्लीज, मधु तेरे लिए मर चुकी है, निकल जा यहाँ से, निकाल दो इसे हवेली के बाहर। पापा 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 पापा, मत कहो इसे, पापा मत कहो, चले जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ चले जाओ। हरिओ, ये किसका खत है? मुनीम, ये लाइट को क्या हुआ? देखो कहीं फ्यूज तो नहीं गया? देखता हूं मालिक। दरवाजा खोलो, मैं कहती हूँ।
बबलू मेरे बच्चे, मेरे बेटे। मत ले जाओ मेरे बेटे को, प्लीज दरवाजा खोलो विनोद। मुझे माँ। विनोद। छोड़, मदी छोड़ दो। रुक जाओ, मैं कहती हूँ। कहाँ मेरा बेटा? कहाँ? बबलू को जाकर उठा के ले जा, छोड़ दो प्लीज। नहीं, वही जाकिरा ना, जिसके कहने पर तुमने मुझे अपनी प्रेम जाल में फंसाया। हाँ? छोड़ दो मुझे प्लीज, छोड़ दो। बस करो। ये तो सुना था कि इंसान दौलत की लालच में अपना जमीन बेच सकता है, लेकिन ये नहीं सुना था कि इंसान दौलत की लालच में अपने बेटे को भी बेच सकता है। अगर तुम बबलू की माँ हो तो मेरा भी खून है, मैं उसका बाप हूँ, मेरा बच्चा है। छोड़ दो मुझे प्लीज। बंद करो ये नाटक, तुम राक्षस हो, राक्षस। और राक्षस भूख लगने पर अपने बच्चे को भी खा सकता है। सुनो, तुम कितने पैसे लोगे अपने भूख का कुआं भरने को? 40 लाख बोलो, 50 लाख, 60 लाख। पैसा, पैसा। मुझे कभी भूख नहीं थी तुम्हारी दौलत की, मैं कभी नहीं चाहता कि तुम्हारी हवेली में आकर रहूं। तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हारी हवेली के साए में आकर रहूं। कैसे समझाऊं, अपने परिवार को बचाने के लिए मुझसे एक गलती हो गई। ये मेरी बदकिस्मती थी कि मुझे जागीरा जैसे दरिंदे के इशारों पर नाचना पड़ा। ये नाटक बंद करो। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूं। आप लोगों को मेरे अंदर सिर्फ दौलत की भूख नजर आ रही है। एक बाप की तड़प को समझने की कोशिश कीजिए। भगवान के लिए, भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए। आप लोग उस दरिंदे को नहीं जानते हैं, वो मेरे बच्चे की जान ले लेगा। बाबूजी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मुझे मेरे बच्चे को वापस लाने दीजिए। जा पाओगे तब ना। ये क्या कर रहे हैं बाबूजी आप? छोड़ दे मुझे रवि, मैं इस हरामजादे को गोली मार के रहूंगा। तो चला दीजिए गोली और कर दीजिए इस निर्दोष की हत्या। बना दिए अपनी बेटी को बेवा और बबलू को यतीम। अरे ऐसे मक्कार की बीवी और बच्चा होने से बेवा और यतीम होना बेहतर है, छोड़ दे मुझे। नहीं बाबूजी, नहीं। विनोद मक्कार नहीं है, ना ही चोर और ना ही धोखेबाज। क्या? हाँ बाबूजी, हम सब ने उसे गलत समझा है। वो बेकसूर है, निर्दोष है, बदकिस्मत है। विनोद बेकसूर है, निर्दोष है, ये तुम कह रहे हो? हाँ मधु, मैं कह रहा हूं। उसका यह खत चीख चीख के कह रहा है कि उस पर जुल्म हुआ है, उसे गलत समझा गया है, और यह सारा जाल उस हरामजादे जागीरा का बुना हुआ है। जागीरा का? पढ़ो, पढ़ो इसे, पढ़ो मधु। कालचक्र, हमारे लिए पिल्ला राम लखन त्रिदेव और तेजाब से कम नहीं है। महाराष्ट्र राज्य लॉटरी का दिवाली बम्पर ड्रॉ है ये। इसकी माँ खुद 50 लाख लेकर हमारे पास आएगी, है ना बेटा? इसकी माँ नहीं, इसका बाप आया जागीरा, 50 लाख रुपए नहीं, 50 लाख जूते लेकर। आ गया तू? हरिओम। पापा, पापा। घबरा नहीं बेटे, घबरा नहीं, मैं आ गया। पापा। कितना बेशर्म तू है, उन लोगों ने इतने जूते मारकर तुझे हवेली से बाहर निकाल दिया, फिर भी तू इनकी तरफदारी करने चला है। जा मुन्ना, जाए जा। अरे जा, जागीरा का भेजा फेराना तो कच्चा चबा जाऊंगा। जाऊंगा जागीरा, लेकिन तुझे मिटाने के बाद जाऊंगा। तू मुझे मिटाएगा? कालचक्र, वो क्या शायरी वो जमाने वाली? हाँ, मुझको मिटा सके वो जमाने में दम नहीं, जमाना मुझसे है। बाकी आगे का तू समझ जा। मुन्ना, तुझे यहाँ पर तेरी मौत लेकर आई है, अच्छा हुआ तू आ गया, तेरी औलाद भी आई है, तेरा अंतिम संस्कार भी इधर हो जाएगा। तू हट कालचक्र, इसके लिए तो मैं ही काफी हूं, तेरी तब।
रवि। हाँ जी जय जी, मैं अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या रे हा? तेरी बहन का प्रोग्राम किया, तेरा दिल नहीं भरा क्या कि अपना प्रोग्राम करवाने आ गया तू? आराम ज्यादा, तुझे जो कुछ करना था तू कर चुका, अब हमारी बारी है। ये भुंडा छाले हो। तुम यहां ठहरो, घबराना नहीं, यहां से जाना मत, मैं अभी आता हूं। बहन के हत्यारे, कितनों की जिंदगी तूने तबाह की है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे गुरु को, वरना इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। रवि मर जाने दे मुझे, मगर इस हरामजादे को मत छोड़ना, इसने हमारी दुनिया उजाड़ी है, इसे जिंदा मत छोड़ना रवि। मुन्ना मुन्ना ये तेरी बहन के हत्यारे का, ये तेरी दुनिया तबाह करने वाले का, ये मेरा, ये खून वाले का, ये पुलिस का, और ये हरिओम। जा जागीरा, ये गोली तुझ में भी चल सकती है। Thank you.
बस करो रवि, रुक जाओ विनोद। गुनहगार कौन है, जुर्म किसने किया है, इसके लिए सबूत की जरूरत नहीं। कानून को अपनी जिम्मेदारी निभाने दो। जा बेटे। पापा। बाबूजी। बाबलू, अभी तो कहो अपने पापा से कि मुझे माफ कर दे। अभी तो हंसो निशा, मुस्कुराता है मेरा ठेंगा। निशा, अरे निशा, सर रवि तुम्हारा ये काम तो पूरा हो गया और अब दूसरा काम तुम्हारा प्रमोशन किया जाता है। थैंक यू निशा। सुनो तो, तुना सनम मर जाएंगे हम, ना सनम मर जाएंगे हम, वास्ता है जाएंगे हम, वास्ता है खुदा का, रूठ के ऐसे ना जाना जा।